Hello students, in this video today we will see the exercise part of lesson number 10 from EVS. आज के इस वीडियो में हम लोग EVS subject से lesson number 10, the sky above us का exercise part देखेंगे. So please open page number 148. आप लोग मेरे साथ page number 148 open कर लीजिए. यहाँ है let us practice. Question number A. टिक द करेक्ट वर्ड, सही शब्द में टिक करें. फर्स्ट है द सन राइसेस इन द ईस्ट स्लैश वेस्ट, तो आपका आंसर होगा द सन राइसेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है. सेकेंड है स्टार्स आर वेरी क्लोज टू स्लैश फार फ्रॉम अस, तो बच्चों सेकेंड का आंसर होगा स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, यानी कि तारे हमसे बहुत दूर है. थर्ड है द सन शाइन्स इन द स्काई एवरी नाइट स्लैश मॉर्निंग, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा द सन शाइन्स इन द स्काई एवरी मॉर्निंग, यानी कि सूरज हर सुबह आसमान में चमकता है. और लास्ट फोर्थ में है द सन इज ए हॉट बॉल ऑफ गैसेस स्लैश एयर, तो हमारा फोर्थ का आंसर होगा द सन इज ए हॉट बॉल ऑफ गैसेस, यानी कि सन गैसों की एक गर्म गेंद है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों के साथ खाली स्थान भरे. तो बच्चों यहाँ ऑप्शन में है सन स्टार्स और मून. फर्स्ट में है द डैश गिव्स अस हीट लाइट एंड एनर्जी, तो इसका आंसर होगा सन द सन गिव्स अस हीट लाइट एंड एनर्जी, सूरज हमें गर्मी प्रकाश और ऊर्जा देती है. सेकेंड में है द डैश चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट, तो इसका आंसर होगा मून द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी नाइट, यानी कि मून हर रात अपना आकार बदलता है. और लास्ट थर्ड में है वी सी मेनी डैश शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट, तो थर्ड का आंसर होगा स्टार्स, वी सी मेनी स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई एट नाइट, यानी कि हम कई स्टार्स को रात में आकाश में चमकते हुए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है गेस माई नेम, यानी कि मेरा नाम सोचो. फर्स्ट में है वी ट्विंकल एट नाइट वी आर वेरी फार अवे, यानी कि हम रात में टिमटिमाते हैं और हम बहुत दूर हैं. तो बच्चों इसका आंसर होगा स्टार्स, S T A R S stars. सेकेंड में है I can be seen at night, यानी कि मुझे रात में देखा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा moon, M O N moon. थर्ड में है I can be seen during the day, यानी कि मुझे दिन के दौरान देखा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा sun, S U N sun. Next question number D में है answer the following questions, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दे. First question है in which direction does the sun rise, means सूर्योदय किस दिशा में होता है, तो इसका answer होगा the sun rises in the east, the sun rises in the east, यानी कि सूरज पूरब में उगता है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सन, हमें सन से क्या मिलता है, तो इसका आंसर होगा वी गेट लाइट हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन, वी गेट लाइट हीट एंड एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी कि हमें सन से प्रकाश गर्मी और ऊर्जा मिलती है. और लास्ट थर्ड में है व्हेन डू यू सी द मून एंड द स्टार्स,
आप मून और स्टार्स को कब देखते हैं? तो इसका आंसर होगा We see the moon and the stars at night in the sky. We see the moon and the stars at night in the sky. यानी कि हम रात में आकाश में मून और स्टार्स को देखते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा 10th लेसन जिसका नाम है The Sky Above Us कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।